दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो में नाम और डेट कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोटो में नाम लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, और एक हमारा पासपोर्ट साइज है जिसमें नाम डेट नहीं लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके के फ़ोटो में कैसे आप नाम और डेट लिख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है और एक फ़ोटो में यहाँ पे हमारा नाम और डेट लिखा हुआ है और दूसरे साइड फ़ोटो में यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नाम और डेट नहीं लिखा हुआ है। तो इस फ़ोटो को सिंपल हम उठा करके अपने फ़ोटोशॉप में यहाँ पे लेके चले आते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी भी फ़ोटो में, चाहे इस फ़ोटो में आपको बताएंगे एग्जाम्पल, लेकिन आप किसी भी फ़ोटो में आप कैसे नाम और डेट लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये फ़ोटो है, तो इस फोटो को क्या करना है कि इसमें नाम और डेट लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप टूल में जाएंगे और क्रॉप टूल में जाने के बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को चूज कर लेना है। जैसे कि इसका साइज़ 1.2 और 1.4 है, तो इसको यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। इतना क्रॉप हो जाने के बाद आपको इस सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो टूल्स बार में, इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लिखा हुआ है, तो इस रेक्टेंगल टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर में जो ये कलर है इसको यहाँ से आप वाइट ले लेंगे और वाइट लेने के बाद सिंपल आपको यहाँ से इसको ऐसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे इस तरीका से, तो आपके पास यहाँ पे शेप बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से मूव टूल ले लेंगे टूल्स बार में और इस तरीका से इसको जहाँ भी चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल टी कर देंगे तो आप यहाँ से छोटा बड़ा इधर उधर आप करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसको यहाँ से इतना हम कर देते हैं और इतना होने के बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा और छोटा करना है, थोड़ा सा और छोटा कर दें आप। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एरियल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऊपर वाले कलर पे, ये जो है ऊपर वाले कलर फोरग्राउंड ऊपर वाला, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर ले लेना है और उसके बाद यहाँ से आप जो भी टाइप करेंगे अब आपका ब्लैक में दिखेगा। तो सिंपल यहाँ से आप इसको यहाँ से बीच में कर दें और उसके बाद यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं अभी हम। तो जैसे कि रितेश कुमार लिख दिया हमने और कुमार लिखने के बाद इसको सिंपल यहाँ से मूव टूल से यहाँ से इधर उधर आप ले जा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे तो उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे इंटर मारेंगे तो नीचे आ जाएगा ये आपका कर्सर। कर्सर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे डेट दे दिया हमने 09/2021, इस तरीका से हम डेट लिख दिए और इस तरीका से इसको ऊपर करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे और इस तरीका से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर इस दोनों का बीच का गैपिंग बढ़ाना या घटाना है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेना है ऊपर में और यहाँ पे इस तरीका से सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर में आप चले आएँगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टोगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ प्लेट, तो इस पैराग्राफ प्लेट को, कैरेक्टर प्लेट को क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर इसको आप बढ़ा घटा सकते हो। यहाँ से आप इस तरीका से बढ़ गया और उसके बाद यहाँ से अगर आप 6 PTP कर देंगे तो ये यहाँ पे दूसरे सेंटेंस पे ये डेट चढ़ रहा है नाम पे, तो उसको यहाँ से आप क्या करना है कि इस तरीके से इसको बढ़ा कर देंगे जितना आपका ज़रूरत हो। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे मूव टूल लेंगे, मूव टूल लेने के बाद आपको सिंपल यहाँ से कंट्रोल टी दबाना है और इस तरीका से इसको साइज में इजाफा कर देंगे, नीचे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका कम्प्लीटली नाम और डेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे लेयर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से फ्लैटन कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद अब यहाँ पे पूरा मर्ज हो गया है एक साइज में। उसके बाद इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए सिंपल आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू लेंगे पेज और यहाँ से कस्टम टूल में जाएँ और कस्टम टूल में जाने के बाद आप 4:6 पेपर ले लेते हैं। 4:6 पेपर लेने के बाद यहाँ से ओके क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ से मूव टूल लेंगे और इस तरीका से खींच के यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पे लाने के बाद इसको कंट्रोल टी करेंगे, इस तरीका से छोटा कर देंगे शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस दबा के रखेंगे और इस तरीका से इसको माउस से छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस लेयर पे आपको कंट्रोल ऐसे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद अल्ट ई एस प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ से 10 पिक्सल ले लेना है कलर ब्लैक और ओके कर देना है जिससे आपका बॉर्डर लग जाए। तो अगर आपको बॉर्डर कम करना है तो फिर से अल्ट ई एस प्रेस करें और यहाँ से आप 3 पिक्सल ले लें या आप यहाँ से फिर से प्रेस करके यहाँ पे 5 पिक्सल ले लें। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है
और इस तरीका से इसको यहाँ पे लगा करके और आप शिफ्ट और अल्ट प्रेस कर लें और इस तरीका से यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे तीन लेयर बन गया है लेयर पैनल में, इस तरीका से आपको मर्ज कर देना है। अगर लेयर पैनल आपका नहीं आ रहा है तो विंडो में जाएंगे, यहाँ से लेयर पैनल को हट गया और यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको कंट्रोल टी दबाना है और शिफ्ट प्रेस करके इस तरीका से आप बढ़ा लेंगे तो देख सकते हैं कि ये एडजस्ट अच्छी तरीका से हो गया है। और ये तीनों हो जाने के बाद आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। उसके बाद अल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, इस तरीका से नीचे खींच देंगे तो इस तरीका से ये नीचे आ जाएगा आराम से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीका से नीचे आ चुका है। तो इस तरीका से आप अपना फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हो नाम और डेट के साथ, और कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ से आप अपना साइज पेज सेटअप करके, यहाँ पे 4:6 पेपर लिया है तो 4:6 पेपर यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीका सेलेक्ट कर लें और फिट एंड साइज कर दें, और उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो बिल्कुल आसानी से। उसके बाद इसको सेव करना है तो सिंपल यहाँ से फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद आपको सेव में क्लिक करना है, और सेव में नहीं करना है तो सेव में अगर करेंगे तो वही फ़ोटो पे आपका सेव हो जाएगा, और सेव अगर सेव एज करेंगे तो दूसरा एक डुप्लीकेट फाइल बनेगा और पहला वाला फाइल आपका बचा रहेगा। तो सेव एज पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आप JPG सेलेक्ट ले लें, और उसके बाद यहाँ पे लिख लें पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो ये हो जाने के बाद हमको सिंपल यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे आके देख लेना है फोल्डर में जहाँ पे हमने सेव किया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये सेव हो चुका है। अब आप इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर में प्रिंट दे सकते हो, या आप कहीं इसको ले जा सकते हो और आप डायरेक्टली इसको प्रिंट दे सकते हो। तो इस तरीका से आप किसी भी फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हो नाम और डेट के साथ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।